हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हो तुम? कोई भी परेशानी नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है, लिख डालो। आज के क्लास में हम लोग अल्कोहल्स टॉपिक के ऊपर, अल्कोहल्स चैप्टर के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्लास में हम लोग अल्कोहल्स को बनाने के मेथड के ऊपर काम करेंगे, फिर आने वाले क्लासेज में हम लोग अल्कोहल्स के रिएक्शंस के ऊपर भी बातें करेंगे। सो आज का क्लास मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। और सबसे पहला मेथड जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन्स। एल्कीन्स पर वाटर का एडिशन करना। तो जैसे सपोज अपने पास ये वाला एल्कीन रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन पानी के मॉलिक्यूल के साथ करा दो, एच ओ एच, एच पर प्लस, ओ एच पर माइनस, कुछ इस तरह से लिख सकते हो। रिएक्शन को कराने के लिए हमें एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, मतलब थोड़ा सा H2SO4 और ढेर सारा पानी। रिएक्शन होगा, एक तरफ H, दूसरी तरफ OH, इस कार्बन पर हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया और इधर वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल को जोड़ दिया, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। दो कार्बन की चेन है, सो इथाइल अल्कोहल तुमने इसको कह दिया। तो इथीन में वाटर ऐड किया, इथाइल अल्कोहल बन गया। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन था, इसमें कुछ करना नहीं था। पहला इंट्रोडक्टरी रिएक्शन हमने बहुत टेढ़ा तुम्हारे लिए नहीं चुना। ओके, अगला एल्कीन, एक और एल्कीन लेते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं। इसमें वाटर का एडिशन करोगे, फिर से वही एच ओ एच, एच पर प्लस, वो एच पर माइनस, और रिएक्शन करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होगी। तो कह दो H2SO4 हमने ले रखा है रिएक्शन में मदद के लिए। देखो, इधर हाइड्रोजन जोड़ो, इधर हाइड्रोक्सिल जोड़ो, एक प्रोडक्ट बनेगा, और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोक्सिल जोड़ दे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इस बार। यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन, तो CH में हाइड्रोजन जोड़ दिया तो CH2 हो जाएगा, और इस कार्बन पर जोड़ दिया हाइड्रोक्सिल, CH2OH हो जाएगा। प्लस अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ले जा करके जोड़ दिया और इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो CH3। ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं इस बार। तो एल्कीन अगर ऐसा है सिमेट्रिकल, जो इधर वही इधर, तब तो एक ही प्रोडक्ट। लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, जो जो चीज़ें उधर हैं वही वही चीज़ें इधर नहीं हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पानी का मॉलिक्यूल जोड़ते समय हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोक्सिल उधर, और इसका उल्टा हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोक्सिल इधर। तो ये दो तरीके से बनने वाले प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, सिंगल बॉन्ड कर दोगे, एक ग्रुप इधर जोड़ा, दूसरा ग्रुप इधर जोड़ा, बात खत्म। एक ग्रुप इधर जोड़ा, दूसरा ग्रुप इधर जोड़ा। तो इस तरह से दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बना लिए, और इन दोनों में से ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, 80-90% वही बनेगा, थोड़ा बहुत ये वाला बन जाएगा, राइट। कैसे पता करेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? तो एक तो हम लोग मार्कोनी का रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एल्कीन पर हम लोगों को इस तरह का कोई रिएजेंट ऐड करना है, तो एक मार्कोनी का रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो निगेटिव पार्ट है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम्स कम है। यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम है। तो इसको अगर यहां भेज दे तो जो बनने वाला ये वाला प्रोडक्ट है यही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। मार्कोनी का रूल से काम चला सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बार मार्कोनी का रूल हमारे लिए काम नहीं करेगा। ऐसे भी केसेज होते हैं जहां मार्कोनी का रूल फेल कर जाता है, तो इसके लिए हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। मैकेनिज्म में जाओगे तो कहोगे कि जो H2SO4 है
ऊपर से लिखते हैं हम लोग ना, जो H2SO4 है वो टूटेगा, H2SO4 के टूटने से हमें मिला H प्लस और HSO4 माइनस। अब ये H प्लस जो है एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान देना एल्कीन में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कमजोर है उसको तोड़ सकते हैं आसानी से, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और हाइड्रोजन को डोनेट करा दिया। पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, दो इलेक्ट्रॉनों को निकाला, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करा दिया। अब उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये जो एच प्लस है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों की मदद से हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, या तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा या तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज देखते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ दिया तो दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और इसका ठीक उल्टा अगर हाइड्रोजन को इधर जोड़ दिया तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन इधर जोड़ा प्लस उधर, हाइड्रोजन उधर जोड़ा प्लस इधर, कार्बोकटायंस, दो कार्बोकटायंस बने। ये प्राइमरी कार्बन है, समझते हो, कार्बन चेन अगर ऐसे चल रहा है तो ये कार्बन प्राइमरी कहा जाता है, और जो बीच में कार्बन है जो कि दो कार्बन एटम्स के बीच में है, ठीक, अगर इस कार्बन को देखें तो दो कार्बन एटम्स के बीच में है, इसको तुम कहते हो सेकेंडरी। और इसी तरह से अगर कहीं सिचुएशन ऐसा रहा है जैसे इस कार्बन को देखा जाए ये तीन कार्बन एटम्स के सेंटर पर है तो तुम कहते हो टर्शियरी, और प्राइमरी कार्बन की तुलना में अगर प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, टर्शियरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, ये सबसे कम स्टेबल होता है, राइट। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग जानते हैं कैसे डील किया जाता है, तो ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। अब इसके बाद ये जो कार्बोकैटायन्स बने हैं, चलो हम उस वाले कार्बोकैटायन को उठा लेते हैं, कार्बोकैटायन को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इन सबको समेट करके लिखे तो CH3 लिख देंगे, तो कार्बोकैटायन ऐसे लिख लिया। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पानी का मॉलिक्यूल, बहुत बार तुम सोचते हो कि पानी का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, टूट करके एच प्लस और OH माइनस बनाएगा, फिर OH माइनस जाकर के रिएक्शन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पानी का मॉलिक्यूल सीधा लोन पर डोनेट करके रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, रिजल्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर लिख देते हैं, और अब इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दो तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और OH बचेगा। तो इस तरह से पानी का मॉलिक्यूल जब भी कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करेगा पहले तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे तो OH हो जाएगा। तो इस तरह से इस कार्बोकैटायन से ये वाला प्रोडक्ट बना। सेम वे दूसरा जो कार्बोकैटायन सोच रखा है इस पर पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो यहां पर भी OH आ जाएगा, ठीक। तो इससे एक प्रोडक्ट, इससे दूसरा प्रोडक्ट, जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है उसी से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वो ज्यादा बनेगा, जैसे 100 मॉलिक्यूल्स यहां से चले तो 10 यहां पहुंचे 90 यहां पहुंच गए, तो ये ज्यादा बनेगा, फिर इससे बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट भी ज्यादा ज्यादा बनेगा। तो हम लोग इसको रिएक्शन के मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मार्कोनी का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं छोटे मोटे केसेज में, और देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में बहुत ही सिंपल था कि एक कार्बोकैटायन दूसरा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, फिर इस कार्बोकैटायन के साथ पानी के मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट बना लिया मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह से दूसरे कार्बोकैटायन के साथ लिखोगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, पानी का मॉलिक्यूल ना लोन पेयर डोनेट करेगा, कार्बन से बॉन्ड बनाएगा,
ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया, ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आया, बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, तो ये प्रोडक्ट। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी कार्बोकटायन है पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो फाइनली OH हो जाएगा। पहले ये बनेगा, फिर हाइड्रोजन को हटाओगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दोगे, OH बन जाएगा। तो इस चीज को फॉलो करोगे तो आसानी से रिएक्शन पूरा कर ले जाओगे। H2SO4NH+ दिया, H+ ने एल्कीन के साथ मिलकर के कार्बोकटायन बनाया, फिर कार्बोकटायन पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के अल्कोहल तक पहुंचेगा, राइट। तो H+ की क्या जरूरत थी, एसिड की क्या जरूरत थी? बहुत बार तुम सोचते हो पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो H+ देगा और OH- देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी का मॉलिक्यूल नहीं टूटता है और इसीलिए हमको अलग से H2SO4 मिलाने की जरूरत है। तो पानी के मॉलिक्यूल ने सॉरी H2SO4 ने H+ आयन दिया, वही H+ आयन रिएक्शन को आगे बढ़ाया, फिर यहां से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H+ फ्री हो जाएगा, H+ फ्री हो जाएगा। तो जो H+ यहां पर खर्च हुआ था पहले स्टेप में वो यहां पर वापस मिल जाएगा तुम्हें। तो इसका मतलब H2SO4 जो है वो रिएक्शन में खर्च नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन में मदद करने के लिए जरूरी है, उसके बिना रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक, उसने जितना H+ दिया इधर, जितना H+ इधर खर्च हुआ बाद में इधर निकल जाएगा। तो इसलिए H2SO4 जो है रिएक्शन में खर्च नहीं होता, सिर्फ वो रिएक्शन में मदद करता है। और भी एग्जाम्पल्स इसके हम लोग ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल ले लें, इसमें हम पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दें H+ H- डाइल्यूट H2SO4। तो यहां पर H, यहां पर OH, या फिर यहां पर H, यहां पर OH, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? तो तुम ध्यान से सोचोगे तो देखो यहां पर एक हाइड्रोजन मिलेगा और यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन ने पहले से चारों बॉन्ड्स बना रखे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर तीन बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, 1, 2, 3, चौथा बॉन्ड जो छुपा हुआ है डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ छुपा होगा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन है या एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो निगेटिव पार्ट यहां पर ला करके लगाओगे। और रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर लिखना चाहो, यहां पर निगेटिव पार्ट जोड़ दिया OH, और हाइड्रोजन को यहां ला करके जोड़ दिया, छुपा हुआ है, हाइड्रोजन को छुपा करके लिखा जा सकता है, तो छुपा हुआ है, तो H यहां जोड़ा, OH यहां जोड़ा, बन गया फाइनल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म लिखोगे तो वैसे ही, इसमें H+ आयन जोड़ोगे, H+ आयन कहां से आएगा? H2SO4 से, अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा H+ को, H यहां जोड़ोगे प्लस यहां, H यहां जोड़ोगे प्लस यहां, तो एक बार प्लस यहां आया, H को यहां जोड़ दिया, छुपा हुआ है ध्यान देना, और एक बार प्लस यहां आया क्योंकि H यहां जोड़ दिया। ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, देखो 1, 2, 3, तीन के सेंटर पर है टर्शियरी, ये सेकेंडरी, लेस स्टेबल एंड मोर स्टेबल। फिर इसमें पानी का मॉलिक्यूल लाओ रिएक्शन करने के लिए, पानी का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर बाद में H हटा दोगे तो यही जगह, इसी जगह पर पहुंच जाओगे। तो इस वे में मैकेनिज्म लिखना चाहो तो मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म लिखते रहोगे तो उससे जो फ्लो तुम्हारा बना रहेगा। बड़े बड़े रिएक्शंस को करने में ये सब हेल्प करता है, छोटे छोटे रिएक्शंस में मैकेनिज्म लिखते रहोगे, फ्लो बना रहेगा तो बड़े रिएक्शंस में ये सब काम देता है, वहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट काम करोगे। नहीं तो फिर बड़ा रिएक्शन आएगा तो फिर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें खोजनी पड़ेंगी, कैसे होगा कैसे होगा, फिर वहाँ पर तुम फंसे रहोगे। तो छोटे छोटे रिएक्शंस में जहाँ पर हम मैकेनिज्म बताते हैं, एटलीस्ट उन केसेज में मैकेनिज्म को लिख डालो, लिख करके प्रैक्टिस कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो एल्कीन्स में वाटर का एडिशन करके अल्कोहल बना सकते हैं, यह हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे कोई अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहे जहां पर मार्कोनी का रूल अप्लाई किया जा सके, स्पेशली ऐसा एल्कीन जहां मार्कोनी का रूल अप्लाई किया जा सके, इसका रिएक्शन हम पहले स्टेप में BH3 या B2H6 से करा देते हैं। BH3 को दो बार जोड़ दोगे B2H6 हो जाएगा, इसको कहते हैं बोरेन,
और इसको कहते हैं डाइबोरेन। ठीक, दोनों से एक ही काम होना है, हमें जरूरत बोरेन की है, हम डाइबोरेन ले चाहे बोरेन ले, बात एक ही है, डाइबोरेन टूट करके बोरेन बना देता है। दूसरे स्टेप में जब पहला स्टेप हो जाएगा, फिर जो भी तुम्हें मिलेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अगले स्टेप में उसको H2O2 और NaOH से रिएक्शन कराओगे, और नेट रिजल्ट, दोनों रिएक्शन दोनों स्टेप्स करने के बाद नेट रिजल्ट एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अपोजिट टू मार्कोनी का रूल। नेट रिजल्ट जो है रिएक्शन का, ये पानी का एक मॉलिक्यूल मार्कोनी का रूल के अपोजिट, तो अगर मार्कोनी का रूल फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, निगेटिव वाला पार्ट यहां पर लेकर के जाते हैं, लेकिन हम उल्टा करेंगे, निगेटिव वाला पार्ट यहां लेकर जाएंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट अब इधर लगाना ही पड़ेगा, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो ये है। तो पानी का मॉलिक्यूल अगर कभी मार्कोनी का रूल के अपोजिट ऐड करना हो तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके जरिए पानी का मॉलिक्यूल मार्कोनी का रूल के अपोजिट ऐड करने का रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देना, हम ये नहीं कह रहे कि पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, ठीक, ये नेट रिजल्ट है, वही रिजल्ट है जो पानी के मॉलिक्यूल को मार्कोनी का रूल के अपोजिट जोड़ करके मिल सकता था। ऐसा नहीं कि तुमने रिएक्शन पानी के साथ कराया, देखो कहीं पानी वानी लिया है क्या, इधर BH3 लिया है, इधर H2O2 लिया है, NaOH लिया है, पानी तो तुमने लिया नहीं है, और पानी रहे भी रिएक्शन में, सपोज पानी के अंदर रिएक्शन करा रहे, पानी सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन BH3 का है, H2O2 का है, NaOH का है, तो पानी का कहीं कोई रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ है, या पानी को हम रिएक्शन में शामिल नहीं कर रहे, लेकिन रिएक्शन का रिजल्ट वही है जो पानी के मॉलिक्यूल को मार्कोनी का रूल के अपोजिट ऐड करने पर मिल सकता था। तो यदि कभी लगे कि एल्कीन में पानी का मॉलिक्यूल ऐड करना है, वो भी मार्कोनी का रूल के अपोजिट, तो कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इनडायरेक्ट रास्ता है कि ये रिएक्शन करे तो वही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सेम वे अगर हम कोई और मॉलिक्यूल ले ले, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल ले ले, इसके साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग काम होता, तो पानी के मॉलिक्यूल का जो निगेटिव पार्ट है ये पार्ट यहां पर जाना होता, लेकिन मार्कोनी का रूल के अपोजिट काम करना है तो इसको यहां पर जोड़ेंगे, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, या OH जोड़ दिया और यहां पर हाइड्रोजन जो कि पीछे छुपा हुआ है। तो इस तरह से इस रिएक्शन के डिटेल्स हम लोगों ने एल्कीन चैप्टर में देखे हुए हैं, एल्कीन चैप्टर में ये रिएक्शन काफी डिटेल में तुम्हें पढ़ाया था, तो यहां तो नाम लेना ही काफी था, लेकिन फिर भी हमने इसके बारे में काफ़ी सारी बातें तुम्हें बताई। इसके बारे में और भी डिटेल्स अगर तुम्हें जानने का मन हो तो एल्कीन चैप्टर के अंदर जाकर के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी, राइट। फिलहाल काम भर बातें हमने बता दी यहाँ पर। तो यदि पानी का मॉलिक्यूल तुम्हें ऐड करना है मार्कोनी का रूल के हिसाब से, तो सीधे सीधे पानी का मॉलिक्यूल H2SO4 और मार्कोनी का रूल के अपोजिट तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा मेथड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। फिर से कोई एक ऐसा एल्कीन चुनो जिस पर मार्कोनी का रूल एटलीस्ट फॉलो किया जा सके। इसका रिएक्शन पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAC2 एंड वाटर, दूसरे स्टेप में NaBH4 एंड NaOH। मर्क्यूरिक एसिटेट कहते हैं इसको, ठीक, ऐसे समझो HgOCOCH3 एंड OCOCH3, ये एसिटेट है ना, मर्करी की वैलेंसी दो बार है तो दो बार एसिटेट के साथ जोड़ दिया है, और इस पार्ट को तुम लिखते हो इस पार्ट को कहते हो एसिटिल, और शॉर्ट में लिख देते हो AC, तो HgOAC, इसीलिए HgOAC का ट्वाइस लिख दिया है। तो मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वाटर, सेकंड स्टेप में NaBH4 एंड NaOH,
रिएक्शन का नेट रिजल्ट क्या है उसकी बात हम सीधे करें फिर से. नेट रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग विदाउट कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट. कि पानी के मॉलिक्यूल का एडिशन, ठीक, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, और सबसे खास चीज विदाउट कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट. तो फिलहाल यहां पर तो वैसे भी कोई कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता था. पानी का मॉलिक्यूल अगर इस पर ऐड किया जाए मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, तो निगेटिव पार्ट यहां पर, पॉजिटिव पार्ट यहां पर, ओ एच यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है. ठीक, पानी का मॉलिक्यूल ऐड किया मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग. दूसरा पॉइंट क्या है, विदाउट कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट. तो इस केस में तो तुमको बात नहीं समझ में आएगी, हमको एक प्रॉपर केस चुनना पड़ेगा. जैसे सपोज हम क्या करें, हमारे पास ये वाला एल्कीन है और इस एल्कीन में हम पानी का मॉलिक्यूल ऐड करने की कोशिश करें सीधा सीधा. ठीक, हम इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा जो पहला रिएक्शन पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर साफ साफ चीजों को समझे तो हम कहेंगे कि नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट को ला करके यहां पर जोड़ दो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए कुछ ऐसा. ठीक, ओ एच को लाए यहां पर जोड़ दिया, हाइड्रोजन को लाए यहां पर जोड़ दिया, वो प्रोडक्ट मिला. लेकिन हम देखते हैं ये इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट ये है. ये है इसका मेन प्रोडक्ट. ठीक, प्रोडक्ट बनना चाहिए था ये वाला, लेकिन बन गया ये वाला. ये कैसे हुआ, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट के जरिए. ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने एल्कीन चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस करी है, फिलहाल यहां भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा. तो यहां पर कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट हुआ, इस चीज को जरा हम समझे क्या क्या हुआ, किससे कैसे हुआ. तो देखो H2SO4 ने क्या किया होगा, H+ दिया होगा, H+ इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस एल्कीन के साथ H+ का रिएक्शन तुम कराओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हाइड्रोजन को यहां जोड़ेंगे प्लस यहां आएगा, हाइड्रोजन को यहां जोड़ेंगे प्लस यहां आएगा, जो ज्यादा स्टेबल है उसी को लेकर के आगे बढ़ो, तो प्लस का चार्ज यहां और हाइड्रोजन इधर. ठीक, दो हाइड्रोजन से तीन हाइड्रोजन कर दिया और यहां प्लस आ गया, सेकेंडरी कार्बोकटायन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन. अब क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर शिफ्ट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन गया उधर CH2 हो गया और प्लस का चार्ज इस कार्बन पर, टर्शियरी कार्बोकटायन हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. तो कार्बोकटायन्स क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1-2 एल्किल शिफ्ट के जरिए रीअरेंजमेंट कर सकते हैं. तो ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ यहां से यहां जा रहा है, तो हम लोग लिखते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन इधर से उधर गया दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के. ध्यान देना, हाइड्राइड बोलते तो अपना मतलब होता है H-. ठीक, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे H-, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो H+ हो जाएगा. तो हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, और हाइड्राइड आयन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर. तो हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ जा रहा है, तो प्लस यहां खत्म, प्लस यहां आ गया, सेकेंडरी कार्बोकटायन से टर्शियरी कार्बोकटायन बन गया. ये लेस स्टेबल था और उसकी तुलना में ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है,
वो कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी जो है बढ़ गई, इसीलिए रीअरेंजमेंट हुआ। अब फिर यहीं पर पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, पानी के मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया जाए, तो यहां पर पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। फाइनली में कई बार में सीधा लिख रहे हैं कि यही प्रोडक्ट देखो बनेगा, ठीक, ऑक्सीजन को जोड़ोगे, ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, फिर एक एच हटा दोगे तो ये प्रोडक्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट क्यों बना, ये वाला क्यों नहीं बना, या यही वाला क्यों मेन प्रोडक्ट, ये वाला मेन प्रोडक्ट क्यों नहीं, क्योंकि जो कार्बोकैटायन शुरू शुरू में बना रीअरेंजमेंट के बाद बदल गया, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां भाग गया, जब पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया तो OH ग्रुप भी यहीं पर बनेगा, तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट न हो, हम चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट न हो, ये वाला प्रोडक्ट न बने बल्कि यही वाला प्रोडक्ट बने, तो क्या इसके लिए कोई रास्ता है रीअरेंजमेंट को रोकने का? आंसर है यस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का इस्तेमाल करें तो रिएक्शन मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर हम यहां पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल का डायरेक्ट एडिशन ऐसे नहीं कर सकते, हम करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इस बार रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरी तरह से अलग होगा, रिएक्शन में बिल्कुल अलग चीजें होंगी, पानी का मॉलिक्यूल यहीं पर ऐड होगा, एच यहां ओ एच यहां, और मेन प्रोडक्ट हमारा ये वाला मिलेगा। तो अगर रीअरेंजमेंट रोकना है, रीअरेंजमेंट होने देना है, तब तो ठीक है, यही वाला प्रोडक्ट बनाना है तो ठीक है ये रास्ता, लेकिन हमको ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, हम चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट ना हो, तो हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इस तरह से एल्कीन के साथ पानी के मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए तीन रास्ते हमने तुम्हें बता दिए, कौन कौन से तीन रास्ते, तीनों को एक बार समराइज कर लिया जाए। एक रास्ता लिखा ही हुआ है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दूसरा रास्ता डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर बाय हेल्प ऑफ H2SO4, इसमें अगर रीअरेंजमेंट ना होता तो OH यहां पर आना चाहिए था, लेकिन रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन उधर भागेगा, प्लस का चार्ज इधर आ जाएगा, तो फिर पानी का मॉलिक्यूल भी इसी जगह रिएक्शन करेगा और यहां पर OH आएगा, और जो मेन प्रोडक्ट हमारा है वो ये वाला। और तीसरा रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल का एडिशन मार्कोनी का रूल के अपोजिट, तो मार्कोनी का रूल के साथ होता तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आना था, और अपोजिट होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आएगा, और जो रिजल्टिंग एल्कीन होगा ये वाला एल्कीन बनेगा। तो पानी के मॉलिक्यूल के अकॉर्ड मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, रीअरेंजमेंट होने देना है डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, और मार्कोनी का रूल के अपोजिट वाटर ऐड करना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये तीन रिएक्शन से तीनों का रिजल्ट यही है कि तीनों ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी के मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर। यहां पर डायरेक्ट एडिशन है, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा वो एल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, सिंपल एल्कीन्स में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं स्पेशल केस है, जैसे यहाँ पर था कि पहले पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा फिर हाइड्रोजन उधर भाग जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो कभी रीअरेंजमेंट होगा कभी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो हम लोगों को अपने से पहचानना है, ठीक। रीअरेंजमेंट पर, इन सब रिएक्शंस के ऊपर एल्कीन चैप्टर में हमने थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बातें करी है ना, तो वहाँ पर तुम लोग चाहो तो इन रिएक्शंस को जाकर के और गहराई से सीखने की इच्छा तो वहाँ पर जाकर के सीख सकते हो, यहां पर फिर से उतनी बात हम नहीं कह पाएंगे। तो ये तीनों रिएक्शंस पर और भी बातें हमने एल्कीन चैप्टर में करी हुई हैं, तुम चाहो तो वहां जाकर के अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वैसे इतना भी काफी होता है, इतना एक्सपीरियंस भी काफी होता है, धीरे धीरे क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे जैसे जैसे सिचुएशन सामने आएंगे, एक्सप्लेनेशन देखोगे जानोगे तो उसी जगह पहुंच जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन मेथड नंबर 4, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जैसे कोई एल्किल हैलाइड है CH3X की जगह पर, वैसे तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों में से कोई भी हैलोजन चुन सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन को हम नहीं चुनते,
इसका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है। इसको एक्वस NaOH, Na पर प्लस, OH पर माइनस, कार्बन पर प्लस, हैलोजन पर माइनस आएगा, यहीं पर रिएक्शन करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, अभी पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, एल्किल हैलाइड के जस्ट बाद हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड के बाद अल्कोहल पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हमने खूब पढ़ी हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इधर पहुँचा, इसको यहाँ से शिफ्ट करा दिया, हटा दिया, CH3OH प्लस NaX, तो मिथाइल अल्कोहल। ठीक, मिथाइल हैलाइड से, मिथाइल हैलाइड से मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर कुछ और रहे, सपोज इथाइल है, इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी ले लो, NaOH, तो इथाइल अल्कोहल प्लस NaBr। तो इन रिएक्शंस पर हमने काफी काम किया हुआ है। यहां थोड़ा सावधानी रखोगे, जैसे सपोज अपने पास टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्लोरीन के बदले मेरे को OH चाहिए, तो क्या फिर से इक्वस NaOH काम करेगा? इक्वस NaOH ले ले, जैसे यहां इक्वस NaOH, यहां इक्वस NaOH, यहां भी इक्वस NaOH ले ले, काम तो होना चाहिए, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। जैसे यहां पर ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहा है, कार्बन पर आया, ब्रोमीन को हटा दिया, यहां पर भी कुछ वैसा ही, हाइड्रोक्साइड आएगा कार्बन पर, क्लोरीन को हटा देगा, लेकिन हम जानते हैं भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, एल्किल एल्किल एल्किल, बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स और एक क्लोरीन भी है, सबने मिलकर के इस कार्बन को ऐसा सेंटर में दबा रखा है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा। जब ये कार्बन तक नहीं पहुंचेगा तो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, होगा क्या, बीटा हाइड्रोजन, NaOH जो है वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा। इसको ऐसे लिखो, CH3CH2H क्लोरीन मिथाइल, और जो OH माइनस है वो हाइड्रोजन के पास रिएक्शन करने पहुंचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, क्लोरीन ऐसे निकाल दो, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना। OH माइनस और H प्लस मिलाकर H2O, क्लोरीन बाहर निकला तो Cl माइनस। तो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, एलिमिनेशन हो गया। इन सब चीजों को एल्किल हैलाइड चैप्टर में हमने खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा है। ठीक, तो ये तो बच्चों का खेल होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो हमको टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ हैलोजन के बदले OH लेना है तो हम NaOH का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये स्ट्रांग बेस है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएगा तो एलिमिनेशन। ठीक, SN2 नहीं कर पाएगा तो E2 करेगा। ठीक, तो क्या यहां से यहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है? तो आंसर है, रास्ता है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पानी मिलाएंगे और छोड़ देंगे, सिर्फ पानी मिलाएंगे, समझे, और कुछ नहीं, सिर्फ प्योर वाटर, पानी मिलाया और छोड़ दिया, होगा क्या, पानी का मॉलिक्यूल वीक न्यूक्लियोफाइल है, कुछ करता ही नहीं है शुरू शुरू में। ये जो तुम्हारा टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, इसमें से हैलोजन अपने आप निकलेगा। ठीक, एक दो तीन, तीन एल्किल ग्रुप, बीच में कार्बन, तो टर्शियरी एल्किल ग्रुप हो गया, टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो गया, ये निकलेगा बाहर, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेफिनेटली क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये बाहर गया, इसको बाहर जाने दो, इस पर ध्यान रखो। फिर अब पानी का मॉलिक्यूल आएगा और पानी का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर लेकर के इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो एज अ रिजल्ट OH और O पर पॉजिटिव चार्ज, पानी का मॉलिक्यूल लोन पेयर डोनेट करेगा, O पर प्लस का चार्ज आएगा, फिर बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और इसको दे दोगे तो बिल्कुल इसी जगह पहुंच जाओगे ना। तो इस वे में अगर हमें यहां से यहां पहुंचना है तो सिर्फ पानी का इस्तेमाल करो, पानी का मॉलिक्यूल क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल, अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्लोरीन निकला, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होगा,
अब इसे रिएक्शन करने की जल्दी है, ये खुद पानी के मॉलिक्यूल के पास जाएगा कि भैया मेरे साथ कुछ रिएक्शन करो, बड़ी परेशानी में है हम। तो इसकी परेशानी को दूर करने के लिए पानी का मॉलिक्यूल अब जो है काफ़ी त्याग करेगा, काफ़ी मेहनत करेगा कि चलो अच्छा ठीक है, तुम परेशानी में हो तो ये लो लोन पेयर लो हमारा। इसने लोन पेयर इसको दे दिया, कार्बन की परेशानी दूर, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर से बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और एच प्लस निकल करके गया बाहर। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड है तो NaOH का इस्तेमाल करने से बचेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करने से बचेंगे, क्योंकि फिर एलिमिनेशन हो सकता है। पानी के मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोलिसिस कराया जा सकता है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो इजीली एक्वस NaOH से हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड है तो फिर प्योर वाटर से हाइड्रोलिसिस कराया जा सकता है। सेकेंडरी रहे तो दोनों रास्ते चुने जा सकते हैं, राइट। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ पर तुम्हें। अगर सिचुएशन ऐसा है, आर सी एच टू एक्स और हमको पहुंचना है आर सी एच टू ओ एच, तो एक्वस NaOH। और अगर सिचुएशन ऐसा है कि टर्शियरी है और एक्स है और हमको पहुंचना है यहां पर, तो जस्ट वाटर इज एनफ, ठीक, वाटर इज एनफ। और अगर सिचुएशन ऐसा है, बीच में भी तो एक सिचुएशन हो सकता है ना, सेकेंडरी, और यहां से मेरे को यहां तक पहुंचना है तो क्या करें, तो दोनों रास्ते काम कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ थोड़ा संभल करके काम करना पड़ेगा, इसके साथ फ्रीली काम कर सकते हो। तो इस मेथड में दोनों रास्ते काम कर सकते हैं, मतलब यहां से यहां पहुंचने के लिए ये रास्ता भी काम करेगा, ये रास्ता भी काम करेगा, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली एक्वस NaOH चाहिए और इसमें स्ट्रिक्टली वाटर चाहिए। इधर उधर के फालतू रास्ते ट्राई करोगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी और हम तुमसे कराना नहीं चाहते, फाइन। आगे बढ़ा जाए तो अल्कोहल्स का, सॉरी, एल्किल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस से भी अल्कोहल हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 5 आई थिंक, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सपोज अपने पास कोई कीटोन है, कीटोन कैसे लिखते हो, दोनों तरफ दो एल्किल ग्रुप, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ, इसका रिडक्शन करा दो, ठीक। रिडक्शन कराने के लिए हम लोग मोस्टली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा वाटर, पहले इन दोनों में से कुछ एक मिलाया, जैसे घर में कोई डिश बना रहे हो, कुछ सब्जी वगैरह ही बना रहे हो तो चीज़ों को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मिलाते हो ना, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक ही बार में कढ़ाई में, सारी चीज़ें एक ही बार कढ़ाई में डाला और ढक्कन बंद कर दिया, बंद करके तैयार हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे, पहले थोड़ा घी या तेल डाला, फिर प्याज डाल को उसको थोड़ा सुनहरा होने तक भुना, फिर उसके बाद अदरक और लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल करके उसको थोड़ा भुना, फिर जो सब्जियां काटी उसको डाल करके थोड़ा भुना, फिर मसाला वगैरह डाल करके उसको थोड़ी देर तक और भुनाई किया, फिर थोड़ा टमाटर डाला, फिर थोड़ी देर तक और भुना, फिर उसके बाद पानी मिलाया, ऊपर से धनिया पत्ती छिड़का और अंतिम में ढक दिया, और लास्ट में खूब बढ़िया सब्जी बन करके तैयार है। नमक डालना हम लोग भूल गए ना, वो भी तुम मत भूलना, हम अक्सर भूल जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4, दूसरा स्टेप वाटर। इतना करोगे तो ये दोनों मिल करके, ठीक, दो हाइड्रोजन एटम्स ऐसे लिख दो किसी तरह से, ठीक, हम मैकेनिज्म में भी चलते हैं तो बात समझोगे। दो हाइड्रोजन एटम्स, एक इसको एक इसको, तो OH, H एंड R डैश, तो इस तरह से अल्कोहल बन गया। सेम वे अगर कोई एल्डिहाइड रहे तो एल्डिहाइड के साथ भी बिल्कुल यही चीज, फिर से दो हाइड्रोजन एटम, ठीक, एक यहां एक यहां, तो R, ठीक। इस चीज को अगर तुम समेट करके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी एच ओ एच, यहां सेकेंडरी अल्कोहल, यहां प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करके हम, कीटोन का रिडक्शन, ये कीटोन है दोनों तरफ एल्किल और बीच में सी डबल बॉन्ड ओ, तो कीटोन एक तरफ एल्किल एक तरफ हाइड्रोजन, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ, तो
एल्डिहाइड, कीटोन का रिडक्शन किया सेकेंडरी अल्कोहल बना, और एल्डिहाइड का रिडक्शन किया प्राइमरी अल्कोहल बना। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है कि सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, उसके बेसिस पर तुम प्रॉपर एल्डिहाइड या प्रॉपर कीटोन चुनो, रिडक्शन कराओ, रिएक्शन इस वे में होगा। ठीक, ओके। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, चलो इसके साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसको नाम क्या देते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको कहते हो सोडियम बोरो हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या है, देखो लिथियम पर एक बार प्लस है, एल्यूमिनियम पर तीन बार प्लस है, और हाइड्रोजन चार है, चारों हाइड्रोजन पर एक एक माइनस। ठीक, बिल्कुल सेपरेट कर दिया, हालांकि रिएक्शन के दौरान ऐसे नहीं सेपरेट होता, एक एक करके, ठीक, एक एक करके बारी बारी से निकाला जाएगा, लेकिन हमने कह दिया चलो सब बिल्कुल तोड़ फोड़ दे, तो कुछ ऐसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह से सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक, स्ट्रक्चर बनाओगे एल्यूमिनियम के साथ, एक दो तीन चार, एच 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 एच, तीन बार प्लस और चार बार माइनस, ठीक, इतने को मिला दो ऐसे, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, तीन प्लस से तीन माइनस कैंसिल, एक माइनस बचा रहेगा, ऐसे ऊपर लिख दो या ऐसे यहां पर लिख दो सेंटर एल्यूमिनियम पर, और फिर इसके साथ एक बार लिथियम प्लस बाहर से ऐसे जोड़ दो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेम वे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। बोरॉन के साथ चार बार एच, बोरॉन पर माइनस, और बाहर से सोडियम, ठीक, सोडियम बोरोहाइड्राइड। रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है तो या तो सीधे, ये बंदूक की गोली है तो गोली को ऐसे हाथ में लिया और खींच करके किसी को मार दिया, हो सकता है मर जाए, और बढ़िया रास्ता क्या है कि बंदूक को निशाना लगाओ और फिर मारो, ये ज़्यादा बेटर रास्ता है। तो नहीं समझ में आता है तो चलो ठीक है, गोली को लिया हाथ में, लेकर के जोर से खींच करके मारा, देखते हैं क्या होगा, एक वो वाला मेथड है, और दूसरा सीधा ये बंदूक निकाला और यहाँ से सीधे फायर करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन का फायर यहाँ किया, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता कुछ नहीं समझ में आता है तो लो, बंदूक चलाने नहीं आता, गोली लिया हाथ में लेकर के ये लो फार दिया, देखते हैं क्या होता है। तो तुम चाहो तो एच माइनस ऐसे सीधे यहाँ पर रिएक्शन तक पहुँचा दो, और अगर बात समझ में आ गई तो ये वाला रास्ता ज़्यादा बेटर है, यहाँ से हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ निकल करके यहाँ जा रहा है, मतलब H माइनस, जब भी दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तो H माइनस बोलेंगे, ये यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करो, क्या हो जाएगा, R C, इलेक्ट्रॉन इसको मिला O पर माइनस, R डैश इसी तरह से चिपका दो, ये H यहाँ पहुँच करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा एक इंटरमीडिएट अभी बना, इसको H प्लस की ज़रूरत है, H प्लस कहाँ से आएगा, पानी का मॉलिक्यूल, इसी लिए लिया था कि पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, H प्लस देगा, कभी कभी पानी के मॉलिक्यूल से काम नहीं बन पाता है तो उसके साथ थोड़ा सा कुछ वीक एसिड जैसे NH4Cl भी मिला सकते हैं, स्ट्रांग एसिड भी मिला सकते हो नो डाउट, लेकिन स्ट्रांग एसिड क्या है, कभी कभी फजीहत खड़ा कर देता है कि जो नहीं होना चाहिए वो भी कर देता है, इसीलिए हम लोग यथासंभव वीक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी का मॉलिक्यूल बहुत ही वीक एसिड है, इससे भी काम हो सकता है, लेकिन अगर और अच्छे से करना है तो उसमें थोड़ा सा NH4Cl मिला दो, NH4Cl में क्या होता है NH3 और H प्लस मिला करके NH4 प्लस बनाते हैं, तो NH4 प्लस वापस टूट करके थोड़ा बहुत H प्लस आयन दे सकता है, तो इसीलिए अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल से थोड़ा सा और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम चाहिए तो NH4Cl इज अ वेरी गुड ऑप्शन, और भी स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम चाहिए तो HCl मिला दो। तो सिंपल सिंप्लिसिटी के लिए बहुत बार हम लोग HCl लिख देते हैं, लेकिन NH4Cl से भी काम चल जाएगा। तो वाटर और NH4Cl का मिक्सचर आगे ले लो, केवल वाटर भी ले सकते हो, और ये करेगा क्या, इसको H प्लस देगा, और जब इसको H प्लस देगा तो तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे ना। सेम वे में अगर NaBH4 लिया है तो, या तो अगर समझ रहे हो तो ये हमने निकाली बंदूक और ये किया इसके ऊपर फायर, और दूसरा रास्ता क्या है,
ये एच यहाँ से सीधे ऐसे लेगा और यहाँ करा दिया फायर, मतलब फायर नहीं करा दिया, लिया गोली हाथ में लिया और ये खींच करके मारा दड़ा। तो दोनों में से जो भी रास्ते तुम्हें पसंद है, ये रियलिस्टिक वे है और ये ऐसे ही हाइपोथेटिकल अपने से सोचने समझने के लिए, दोनों बराबर काम करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल हो क्या रहा है, सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव हो चले हैं, तो वहाँ तुम कैसे पहुँचे ये कम मायने रखता है, पहुँचे कि नहीं पहुँचे ये ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन हाँ कैसे पहुँचे ये भी मायने रखना चाहिए। तो जब तुम सीख रहे हो, स्पेशली जब लर्निंग फेज में हो, तो कैसे पहुँचे ये भी ज़रूरी है। तो सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी फॉलो करो, बट रियल मैकेनिज्म इस वे में लिखना कि इसने अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ इसको दिया, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा, ये बना, फिर इसको एच प्लस चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ये दोनों मिलकर के एच प्लस दे देंगे, या तो ये देगा नहीं तो ये तो देगा ही देगा, और ये एच प्लस इसको जैसे मिलेगा अल्कोहल बन करके तैयार हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, उनका रिडक्शन करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, राइट। रिडक्शन के लिए एक और भी रास्ता है, अच्छा यहां पर एक और चीज पहले हम तुम्हें बता दें, NaBH4 ये थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि LiAlH4 क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हाइड्रोजन क्या है, उसके सामने इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हाइड्रोजन क्या है, उसके सामने इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जब दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा रहता है तो रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, कि इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच का अंतर ज्यादा होता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है। कुछ सेम फिलॉसफी हियर, एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बोरॉन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दोनों के बीच का अंतर कम है, इसीलिए कम रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव, ठीक। ये एच माइनस जल्दी से देता है, ये एच माइनस थोड़ा स्लो देता है, तो इसके साथ क्या है, रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा, इसके साथ थोड़ा धीरे धीरे होगा। जल्दी जल्दी होने में खतरा भी है, खतरा क्या है, जैसे मान लो इसके साथ गलती से कहीं से पानी मिला दिया, पहले ही पानी मिला दिया, गलती से पहले से कहीं से पानी मिला दिया, तो पानी मिला दिया तो क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल एच प्लस दे सकता है, ठीक, हालांकि सीधे सीधे नहीं टूटता है, लेकिन इसमें एच प्लस देने की कैपेसिटी होती है, तो ये एच प्लस देगा, एच माइनस देगा, एच प्लस और एच माइनस मिला दो तो क्या बन जाएगा, एच प्लस और एच माइनस मिला करके बन जाएंगे H2, और बहुत सारा हीट निकलेगा, और इस हीट से आग लग जाती है बहुत बार लैब में, ठीक, लैब में आग लग जाती है, तो बहुत संभाल संभाल करके रिएक्शन करना पड़ता है। इसके साथ ये खतरा नहीं है, इसको पानी में डुबा भी दो तब भी आग नहीं लगेगा, तो ये रिएक्शन धीरे धीरे करता है, प्लस वाटर फ्रेंडली है, पानी में मिलाने से कोई नुकसान नहीं है, ये वाटर फ्रेंडली नहीं है, पानी वानी अगर एक्सीडेंटली अचानक ज़्यादा ज़्यादा मिला दिया तुरंत धमाका होगा, आग लग जाएगी, पूरा का पूरा लैब भी जल सकता है, तुमको भी चोट लग सकती है, इवन यू कैन डाई। तो खुद को और लैब को बचा करके इसके साथ काम करना होता है, ये सेफ है, थोड़ा कमजोर है बट सेफ है, ठीक। ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब एल्डिहाइड और कीटोन पर तो ये काम करता ही करता है, और भी दूसरे बड़े सारे फंक्शनल ग्रुप है जिनको ये रिड्यूस कर सकता है, ठीक, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको ये रिड्यूस कर सकता है। ये सिर्फ एल्डिहाइड पर और कीटोन पर काम करेगा, ये एल्डिहाइड पर काम करेगा, कीटोन पर काम करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर काम करेगा, एस्टर पर काम करेगा, ठीक, एनहाइड्राइड पर काम करेगा, एसिल क्लोराइड पर काम करेगा, अमाइड पर काम करेगा, ठीक, इसके अलावा साइनाइड पर काम करेगा, इसके अलावा नाइट्रो, मतलब और भी है, ये तो बस छोटा लिस्ट है। एल्डिहाइड कीटोन के अलावा इन सब फंक्शनल ग्रुप पर भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम चलता है, इन सब को भी ये रिड्यूस कर सकता है, ठीक। कैसे कैसे रिड्यूस करेगा, लेट अस हैव अ वॉच। कैसे कैसे रिडक्शन करना है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखेंगे ना, घबराना नहीं। सपोज अपने पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं ना, इस बार हम लोग वही हाथ से फेंकने वाला रफ मेथड यूज करेंगे, हम नहीं जा रहे मैकेनिज्म के अंदर। एक एच माइनस आया, एच माइनस ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया,
इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये ओ एच माइनस बाहर, तो आर सी ओ एच यहां पर तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। या फिर हम और सिंपल बनाते तुम्हारे लिए, हम लोग जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन बाद में क्या करेंगे, पानी वानी HCl वगैरह NH4Cl वगैरह कुछ ना कुछ मिलाएंगे ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वर्कअप लिख देते हैं, एंड वर्कअप, वर्कअप मतलब वो बाद में जो पानी मिलाते हैं, दूसरा स्टेप, पानी मिलाया NH4Cl मिलाया या HCl मिलाया, तो वो वर्कअप नाम देते हैं। ये दोनों काम किया, दो हाइड्रोजन, ठीक, इसको यहीं से ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, तो क्या बन गया, H2O, ठीक। ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है ना, हम बहुत कभी कभी करते क्या, हम मैकेनिज्म्स को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि पहले जब तुम रिएक्शन सीख लोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि यहाँ से यहाँ पहुँचना है, अब सिर्फ मैकेनिज्म लिखने की बात है, और जब तुम थोड़े से मैकेनिज्म्स, थोड़े जो सही सही बेसिक मैकेनिज्म्स लिखना जब तुम सीख जाते हो, तो थोड़े आगे के मैकेनिज्म्स अपने आप भी ट्राई कर लेते हो, सही हो जाता है, या कहीं देखोगे तो समझ जाओगे। तो रिएक्शन को बेसिकली समझना ज़्यादा जरूरी है, तो हम इस पर मैकेनिज्म को अवॉइड कर रहे हैं ना, नहीं जा रहे हैं मैकेनिस्टिक वे में। हम जानते हैं दोनों मिलकर के दो हाइड्रोजन देंगे किसी न किसी तरह से, एक इसको दिया एक इसको दिया, यहाँ तक लिख सकते हैं, फिर इसके साथ दोबारा रिएक्शन, फिर से दो हाइड्रोजन, एक इसको दिया एक इसको दिया, तो आर ओ एच, एच और एच, या फिर हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर सी एच टू ओ एच, दोनों को साथ में मिला दें तो हम बोलेंगे कि ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया, ठीक, बाद में वर्कअप भी किया, तो दो हाइड्रोजन मिलाकर कितना हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, और रिजल्ट आर सी एच टू ओ एच प्लस वाटर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, आर सी ओ ओ एच से आर सी एच टू ओ एच, ठीक, ये कार्बन जो है सी एच टू तक पहुंच गया, ठीक। स्टेप बाय स्टेप दो हाइड्रोजन, एक इधर जोड़ा एक इधर जोड़ा, बीच में से बॉन्ड तोड़ दिया, यहां पहुंच गया, फिर से दो हाइड्रोजन एक इधर जोड़ा एक इधर जोड़ा, यहां पहुंच गया, और इसी को जो है ऐसे लिखा, फिर दोनों को जोड़ करके लिख दिया, तो कहा दो और दो चार हाइड्रोजन, फाइनल प्रोडक्ट ये वाला, तो चार हाइड्रोजन फाइनल प्रोडक्ट ये वाला। तो इस वे में ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन कर सकता है। ओके, एस्टर्स, सपोज अपने पास कोई एस्टर है, एस्टर का रिडक्शन करना है, तो फिर से वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वर्कअप, बॉन्ड देखो यहां से ब्रेक करो, दो हाइड्रोजन एक इधर ठीक, और फिर से दो हाइड्रोजन फिर से ठीक, एक इस पर आर सी एच टू एच लिख सकते हैं, दोनों स्टेप्स को एक साथ जोड़ दो, क्या लिखोगे, ये रहा एस्टर, और जब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया तो आर सी एच टू ओ एच, ठीक, आर सी एच टू ओ एच, और इस आर डैश का क्या होगा, ये भी देखो एक अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, तो प्लस आर डैश ओ एच, तो एक अल्कोहल इस साइड से एक अल्कोहल उस साइड से, ठीक, इधर वाले अल्कोहल में आर सी एच टू ओ एच हो जाएगा और उधर वाले अल्कोहल में आर डैश ओ एच हो जाएगा, तो दो अल्कोहल्स मिलेंगे, तो एस्टर्स का भी रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया जा सकता है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड अगर तुम लिखना जानते हो तो ऐसे लिखोगे, इसको भी वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखो चलो कह दिया कि बॉन्ड यहां से टूटा, दो एच तुमने दिया, एक इधर दिया एक इधर दिया, क्या हो जाएगा, आर सी ओ एच प्लस एच ओ सी ओ आर, ठीक, आर डैश है तो इसको चलो आर डैश बना देते, कोई मुश्किल नहीं, फिर दो एच इसको दो, एक इसको, तो आर सी एच टू ओ एच, दो एच इसको दो, एक यहीं से बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक इसको, तो ये हो गया एच टू ओ, इसको एच मिलेगा तो एच टू ओ हो जाएगा, इसको एच दोगे तो एच सी ओ आर डैश, फिर इसको दो एच फिर से दो, एक यहां
आर डैश सी एच टू ओ एच, मतलब फाइनली लिख सकते हैं कि एक अल्कोहल इधर से बनेगा, एक अल्कोहल इधर से बनेगा, एक आर सी एच टू ओ एच हो जाएगा, ये रहा, और दूसरा आर डैश सी एच टू ओ एच हो जाएगा, वो रहा ना। फिर से देख सकते हो, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, एक एच इधर जोड़ा, एक एच इधर जोड़ा, ये मिला और ये मिला, ठीक, ध्यान से देख लो। फिर एक एच इस पर जोड़ा, एक एच इस पर जोड़ा, अल्कोहल बन गया। इसके साथ क्या किया, इसको ब्रेक करके एक एच इधर, एक एच इधर, ठीक, ये मिला, फिर एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ये मिल गया। तो एनहाइड्राइड्स के रिडक्शन से RCH2OH, आर डैश सी एच टू ओ एच। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, एस्टर्स का रिडक्शन, एनहाइड्राइड्स का रिडक्शन, इसके अलावा अमाइड का रिडक्शन। अमाइड क्या होता है, आर सी ओ एन एच टू, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्कअप। इस बार इसको कुछ नहीं होगा, यह सच पड़ा रहेगा। दो हाइड्रोजन जोड़ो, दो हाइड्रोजन जोड़ोगे तो आर ओ एच एच एन एच टू, फिर से दो हाइड्रोजन, और स्पेशली ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आर सी एच टू एन एच टू, ठीक, एक एच इसको दो, एक एच इसको दो। थोड़ा सा ऑड रिएक्शन है, थोड़ा अलग तरह का रिएक्शन है, बिना मैकेनिज्म के इसको हम लोग नहीं समझ सकते। तो इसको थोड़ा पहले तो मेमोरी में याद रखोगे, सही जगह आने पर हम इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो मेन मोटो है कि अल्कोहल्स के मैथड, अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने वाले मैथड्स पर हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, थोड़ा सा सबसे अलग रिडक्शन चल रहा है, राइट, थोड़ा सबसे अलग रिडक्शन चल रहा है। हर बार क्या होता था, इधर वाला बॉन्ड पहले तोड़ते थे, इस बार इधर वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ा, एच इस पर ऐड किया, एक यहाँ एक यहाँ यहाँ तक पहुँचे, फिर इसको ब्रेक किया, एक यहाँ एच ऐड किया, यहाँ तक पहुँच गया, अमीन बना, अमीन बना। होता क्या है, नाइट्रोजन भाग नहीं पाता है, नाइट्रोजन भागना चाहे तो भी भाग नहीं पाता है, इस वजह से नाइट्रोजन नहीं भाग पा रहा है और ऑक्सीजन को हटना पड़ रहा है। साइनाइड का रिडक्शन, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक, एंड देन वर्कअप, दो एच एक यहां फिर दो एच एक यहां फिर दो एच, आई थिंक हो जाएगा इतने में काम। आर डबल बॉन्ड हो गया, एक एच यहां, ठीक, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा, फिर से दो एच, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, राइट, आर सी एच टू एन एच टू बन जाएगा। नाइट्रो ग्रुप, एन ओ टू, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक, वर्कअप समझ लेना, ठीक, सीधे सीधे हम चार छह हाइड्रोजन लगेंगे, सब एक ही बार में जोड़ करके रिएक्शन को तुम्हारे लिए बैलेंस कर देते हैं। इस बार हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बार कहना बहुत खतरनाक है, कुछ भी अनस्टेंट कह दिया तो तुम परेशान हो जाओगे। तो NO2 से NH2 प्लस बैलेंस करने के लिए सब जुगाड़ पानी हमने किया है। तो इस वे में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का रिडक्शन कर सकता है, ये हम लोगों को माइंड में रखना है, ठीक। नियरली हमने काफ़ी सारे कवर कर लिए, एक दो एक्सेप्शनल केसेस बचे होंगे तो उनको फिर कभी कहीं और देखा जाएगा, या समय के साथ तुम अपने से भी सीख जाते हो। तो समराइज कर ले एक बार, अगर अपने पास एल्डिहाइड है, रिडक्शन कर दोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आर सी एच टू ओ एच, अगर अपने पास कीटोन है, रिडक्शन कर दोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आर सी एच ओ एच, कुछ ऐसा इस कीटोन है ना, इसको आर डैश और आर डैश बना देते हैं, तो यहां पर रिडक्शन हुआ और ये बन गया। अगर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया सी एच टू ओ एच, अगर अपने पास एस्टर है, ठीक, बॉन्ड यहां से टूटना है, रिडक्शन करोगे ये आर सी एच टू ओ एच प्लस इधर से आर डैश ओ एच। अगर अपने पास एनहाइड्राइड है,
ठीक, बॉन्ड यहां से टूटना है, बॉन्ड यहां से टूटना है, आर सी एच टू ओ एच, आर डैश सी एच टू ओ एच। अगर अपने पास अमाइड है सी ओ एन एच टू, ध्यान देना नाइट्रोजन नहीं निकलेगा, इसको हटाना है, आर सी एच टू एन एच टू। अगर अपने पास साइनाइड है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी एच टू एन एच टू। अगर अपने पास नाइट्रो है आर एन ओ टू, तो आर एन एच टू। ठीक, तो इसको देख करके कुछ फीलिंग तुमको आ रही होगी। इन सब रिडक्शंस के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक, और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सभी के लिए काम करेगा, और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल करें तो केवल इन दोनों के लिए काम करेगा, बाकी सबसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस सेलेक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे, कभी कभी इसके बेसिस पर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न भी फेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल चलो लेते हैं, सपोज अपने पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक, कार्बन चेन है, यहां पर कह दो कीटोन ग्रुप और यहां पर एनओ टू ग्रुप। इसको अगर हम NaBH4 से रिड्यूस करें तो क्या होगा, और इसको अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें तो क्या होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस पर भी काम करेगा, इस पर भी काम करेगा, तो NO2 से NH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड O से OH और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तुम चाहो तो छुपा भी सकते हो, और NaBH4 क्या करेगा, सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा। तो NaBH4 सिर्फ यहीं पर रिएक्शन करेगा, ये H सच पड़ा रहेगा, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इधर भी रिएक्शन करेगा, इधर भी रिएक्शन करेगा, तो दोनों का रिडक्शन हो गया। तो इस तरह के सिचुएशंस अगर कभी फेस पड़ जाए, फेस करने पड़ जाए, तो बी रेडी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या क्या कर सकता है, राइट। तो अल्कोहल बनाने के मेथड्स में एक तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हैं, दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करें तो अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन इसके रिडक्शन से आर सी एच टू ओ एच, और इसके रिडक्शन से आर डैश सी एच ओ एच आर, इस तरह का कुछ। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके रिडक्शन से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं ना, ध्यान रखना। इसके अलावा एस्टर, इसके रिडक्शन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, और दो अल्कोहल्स मिलेंगे, एक इधर से और दूसरा इधर से, ठीक। एनहाइड्राइड, इसके रिडक्शन से भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इन फंक्शनल ग्रुप्स के रिडक्शन से भी, इसका रिडक्शन करेंगे तो एक अल्कोहल यहाँ से मिलेगा, एक अल्कोहल यहाँ से मिलेगा, आर सी एच टू ओ एच, आर डैश सी एच टू ओ एच, दोनों लिखा हुआ है। तो अल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन वाले मैथड्स में ऐसा नहीं है कि केवल हम एल्डिहाइड ही एल्डिहाइड, कीटोन ही कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, एस्टर का रिडक्शन, एनहाइड्राइड का रिडक्शन, इन दोनों का रिडक्शन करना है तो इसका इस्तेमाल करोगे या तो NaBH4 या फिर LiLH4, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है तो क्या इस्तेमाल करोगे, LiAlH4। एस्टर का रिडक्शन करना है तो LiAlH4। इसका रिडक्शन करना है क्या इस्तेमाल करोगे, LiAlH4, ठीक। और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लेकिन हम इस क्लास को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते, ढेरों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और भी बातें करी जा सकती हैं, लेकिन इस क्लास में हम बहुत कंट्रोल्ड बोल रहे हैं कि कम से कम दो तो तुम याद रख पाओ, जब दो याद रख ले जाओगे तो कॉन्सेप्ट माइंड में बन जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन होता है, ये प्रोडक्ट बनता है। अब फिर बात बच जाती है, क्या यही दोनों मात्र रिड्यूसिंग एजेंट है या कुछ और भी हो सकते हैं, तो और भी हो सकते हैं ना। फिर जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में और डिस्कशन करेंगे, तो इतना तुम्हें यहाँ से याद रहेगा, फिर वहाँ पर थोड़ी और एडवांस बातें कर लेंगे।
कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आएंगे तो इतना तो तुम्हें यहां से याद रहेगा, कुछ एडवांस बातें वहां पर कर लेंगे, वहां के लिए भी कुछ छोड़ो। एस्टर और एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप पर भी कभी ना कभी डिस्कशन करेंगे, तो इतनी बातें यहां से याद रखोगे, कुछ एडवांस बातें वहां कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इन्हीं दो रिड्यूसिंग एजेंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, बाकी और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो रिडक्शन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, उनको सही जगहों पर हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अल्कोहल बनाने के लिए एक मेथड रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ बहुत सारी चीजों के साथ करा सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, इपॉक्साइड के साथ, ठीक, एस्टर के साथ, एसिल क्लोराइड के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा के अल्कोहल तक पहुंचा जा सकता है। पिछले क्लास में जस्ट हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा है, वो सारी बातें, ये सारी बातें हमने उस क्लास में पढ़ा रखी है, तो यहाँ पर जस्ट नाम लिख दिया है। अगर तुमने पिछला क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को देख करके इन मेथड्स को वहाँ से कवर करोगे। इस पर बस इतना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इन सारी चीज़ों से रिएक्शन करा के अल्कोहल तक पहुँचा जा सकता है, जो तुम पिछले क्लास से कवर करोगे। और एक लास्ट मेथड अमीन्स रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स विथ HNO2। तो अगर कोई प्राइमरी अमीन है RnH2, इसको HNO2 से रिएक्शन कराने का मौका दे दिया जाए, ठीक, नियरली 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं, ROH + N2 + H2। सबसे पहले तो तुम चेक करो रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, सबसे पहले तुम चेक करोगे कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एक नाइट्रोजन मिला करके 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन है, एक सॉरी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, रिएक्शन इज टोटली बैलेंस्ड, नाइट्रोजन गैस है, निकल करके भाग जाएगा, भाग जाने दो। तो प्राइमरी अमीन्स HNO2 से रिएक्शन करके अल्कोहल तक पहुँच जाते हैं, और इस रिएक्शन में बहुत केमिस्ट्री है, ठीक, इसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, जब अमीन चैप्टर्स में आएंगे, अमीन वाले चैप्टर में आएंगे, तो इस रिएक्शन में बहुत केमिस्ट्री, बहुत सारी बातें कर सकते हैं इस पर हम, यहाँ पर हम तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इस रिएक्शन के साथ इंट्रोडक्शन, इसको ऐसे भी याद रखो, इसकी केमिस्ट्री, इसके पीछे के मैकेनिज्म और बहुत सारी बातें और भी जो हम लोग अमीन चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो बस, ठीक, अल्कोहल्स को बनाने के मेथड्स पर हमारी तरफ से इतना है कि इन इन मेथड्स से अल्कोहल्स को बनाया जा सकता है। कौन कौन से मेथड्स हो गए, एल्कीन्स के ऊपर हम लोग वाटर का डायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन करते करते 3 मेथड्स, एल्किल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, एस्टर का रिडक्शन, एनहाइड्राइड का रिडक्शन, फिर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इतने सारे फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शंस, और फाइनली अमीन के साथ HNO2 का रिएक्शन करते हुए अल्कोहल बना सकते हैं। तो अल्कोहल बनाने के मेथड्स पर हमारी तरफ से बातें खत्म, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, स्पेशली अगले क्लास में मिलेंगे तो अल्कोहल्स के प्रॉपर्टीज, अल्कोहल्स के रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बस आज इतना ही, बाय बाय।